अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू SLR लर्निंग प्लैनेट। ये है हमारी आज की डेली प्रैक्टिस उर्दू वर्कशीट, जिसके ज़रिए हम बच्चे को ज़ेर, पेश और ज़बर का इस्तेमाल सिखाएंगे। अब बच्चे ने अल्फाज को मुकम्मल करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले अलिफ ज़ेर लिखा हुआ है, अलिफ ज़ेर को इन खाली जगहों पर लिख कर अल्फाज मुकम्मल करने हैं। चलें आए मोहम्मद, अब आप ये अल्फाज मुकम्मल करके दिखाएं। ठीक है, ये पेंसिल है। ठीक है, हाँ जी लिखें, पढ़ते जाएं और लिखते जाएं। अलिफ ज़ेर काफ एक एक है ये, ईक ई का ये, अलिफ ज़ेर काफ इक। एक हाँ जी चले। अलिफ ज़ेर नून इन अलिफ ज़ेर सीन इस वेरी गुड, अलिफ ज़ेर रेदाल इर्द। इर्द। हाँ अब ये क्या है, पेश की बारी आ गई। पेश की बारी आ गई। अच्छा चलिए, क्या लिखा हुआ ये? रे पेश ते रोत रोत नहीं होगा, रुत रुत होगा। रे रुत पेश ते रुत रुत, रे पेश काफ रुक वेरी गुड। रे पेश सी रुस रे पेश लाम रुल। रुल। अच्छा ये क्या अब है, ये ज़ेर जेर है, क्या लिखा हुआ है? अलिफ पेश ज़ेर दाल ये क्या लिखा हुआ है ये बताओ। दाल दाल, जेर, दाल ज़ेर लाम दिल दिल। हाँ जी दाल ज़ेर नून दिन वेरी गुड, दाल ज़ेर काफ देखो वेरी गुड। अच्छा ये क्या लिखा हुआ? दाल ज़बर सीन दस दाल ज़बर दर दाल ज़बर फेदफ दाल ज़बर बेदब। वेरी गुड। अच्छा अब आपने अलिफ के साथ ये ज़बर के साथ अल्फाज बनाने हैं। अच्छा अब सोचें किस लफ्ज़ पे ज़बर आएगा और आप क्या लफ्ज़ बनाएंगे, सोचें। अब आप देख लें कि इनमें से कौन से ज़बर वाले अल्फाज हैं, कौन से वो हैं। पढ़ते जाएं क्या क्या लिखा है। 10 10। आगे कौन सा आएगा? दार डार नहीं होगा, डाल, जबर, रे, डर होगा। डर ये डर लिखा है आपने, डर नहीं लिखा। मैं आपको कह रही हूँ डर लिखें जरा, डर। डर कैसे लिखेंगे, यहाँ डर लिखें जरा, इधर ये डर है, डर, डर। मैं आपको कह रही हूँ डर, डर। ये डर है दाल ये डाल है, दाल ये डाल है ना, दाल डाल है ना, तो मैं आपको कह रही हूँ डर लिखें जरा यहाँ पे। अच्छा इधर है तो डर दोबारा डर डर, डर, डर लिखें, डर। कौन सा डर डर कैसे लिखते हैं, डर में किसकी साउंड आ रही डर है, डाल की साउंड है ना, डाल। डाल क्या होता है, डाल कैसे लिखते हैं। डाल है ये डाल ये भी डाल है, ये डाल है कि डाल है, ये बता दे मुझे। दाल डाल है ये, दाल डाल है ना, तो डाल कैसे लिखेंगे, दार इसके ऊपर तो ही नहीं आएगी छोटी सी डाल, वैसे नहीं होता अच्छा ये इसको न। हाँ डाल, जबर, रे, डर। वो डर लिखा रहने देना, क्यों मिटा रहे हैं। चले आए अब अगला लफ्ज बनाए जबर के साथ, क्या बनाएंगे। अच्छा मैं बताती हूँ आपको, बन लिखें जरा जबर डाल के, बन बन। हाँ किसकी साउंड आएगी, ब आवाज किसकी, बे बे की। हाँ बे बे, और क्या लिखेंगे आप, बे, ब बन, बन, बे, जबर, नून, बन। अब कैसे लिखेंगे, जबर बे, बे जबर, नून, बन। बे की छोटी शक्ल होगी ना, क्या लिखते हैं, बे की छोटी शक्ल और फिर थोड़ा साथ सा आप नून पूरा लिखेंगे, नून साकिन। बे जबर और साथ नून ऐसे मिला आ, के हाँ मिला के, और लाइन से नीचे आ जाएगा ना नून, बन बन, बे, जबर, नून, बन। अच्छा अब अगला क्या लिखेंगे बक आप, लिखने रस लिखें, बकरा नहीं बकरा नहीं लिखना,
रस लिखें जरा यहाँ पे। कैसे लिखेंगे रस? रस अगली बार सीन अस। सीन सीन हाँ सीन कैसे लिखेंगे? पूरा सीन लिखना है। रे जबर सीन रास क्यों लिख दिया है? रे जबर सीन रस ये हो गया ना, रे जबर सीन रस। अच्छा अब जेर के साथ बनाए जरा अल्फाज। दिल एक दिल कहूंगा। एक दिल लिख दे। दिल दे राम दिल। फिर अगला लफ्ज क्या बनाएंगे आप? एक एक अलिफ जेर काफ एक हो जाएगा। अच्छा जी एक ठीक है। आगे लफ्ज क्या बनाएंगे आप? बे जेर लाम बिल लिखें जरा। बे जेर कैसे लिखेंगे? बे जेर लाम बिल। बे की छोटी शक्ल और लाम पूरा, लाम साकिन पूरा। बे जेर लाम बिल। हाँ अब उसको लाम के साथ मिलाएं और लाम को अपने लाइन से नीचे लेके आना है। दिखाएं जरा। बिल ठीक है। अगला अगला जेर के साथ क्या लफ्ज बनाएंगे आप? मैं इस चले लिखते इस लिखें जरा। इस कैसे लिखेंगे? इस। अच्छा आखिरी लफ्ज बनाए क्या बनाएंगे? क्या लिख रहे हैं? इर्द लिख दें। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।